हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रेप आप सभी का प्रेप पे स्वागत है फ्रेंड्स दिस इज लेक्चर नंबर थर्टी थ्री ऑफ अवर क्रेश कोर्स प्रोग्राम एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्शंस एंटी डिफेक्शन लॉ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है फॉर प्रम्स एग्जामिनेशन बट इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से अपील होगी कि अगर आपको हमारा ये फ्री इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप आई को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में ताकि वो भी इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकें एंड फ्रेंड्स फिल्म 2023 आने ही वाला है एंड फिल्म्स को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस एंड रिविजन बहुत जरूरी है तो प्रैक्टिस करने के लिए प्रेप आई ने एक पेड प्रोग्राम लॉन्च किया है वो है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और दिस प्रोग्राम इज कम्प्लीटली अलाइंड विद दिस फ्री इनिशिएटिव। तो फ़ायदा क्या होगा कि आपका टाइमली रिविज़न हो जाएगा टाइमली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि थ्रू टेस्ट सीरीज आपका थ्री टाइम रिविज़न हो जाए टोटल थर्टी फाइव पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने को मिलेंगे तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक्स आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह एक पेड प्रोग्राम है ठीक है यह एक पेड प्रोग्राम है ओके अब हम बात करते हैं लेक्चर नंबर थर्टी थ्री की इलेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ देखिए भाई इलेक्शन चुनाव बेसिकली डेमोक्रेसी में तो यही होते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो यह आता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टी देखिए पार्टी है मीन्स एसोसिएशन होगा तो बेसिकली दिस इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ठीक है जो कि शेयर करते हैं सिमिलर पॉलिटिकल व्यू आइडियोलॉजी एंड जो पावर को कैप्चर करना चाहते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ओके तो इनको कहा जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी ये सब क्या है ये सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि सिमिलर पॉलिटिकल व्यू शेयर करती हैं मतलब इसमें जो लोग लो ज्वाइन करते हैं एंड ऑब्जेक्टिव क्या है टू कैप्चर पावर थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ओके अब देखो पॉलिटिकल व्यू का मतलब क्या है आइडियोलॉजी है ना अब देखो अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो आइडियोलॉजी के बेसिस पे तीन तरह की पार्टीज होती है नंबर वन लेफ्टिस्ट पार्टीज आपने सुना होगा सेंट्रिस्ट पार्टीज राइटिस्ट पार्टीज ये क्या क्या होते हैं देख लेते हैं देखिए इनमें शामिल होंगे रेडिकल पार्टीज लाइक सीपीआई सीपीएम और इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है बेसिकली स्टैब्लिश न्यू ऑर्डर तो जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उनको ओवरथ्रो कीजिए और इस्टैब्लिश करो क्या स्टैब्लिश उिडी न्यू ऑर्डर बाय ओवरथ्रोइंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन अब सेंटर में कौन सी पार्टीज होती हैं बेसिकली जो लिबरल पार्टीज होती हैं फॉर एग्जांपल अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस इनका ऑब्जेक्टिव उब, क्या होता है रिफॉर्म्स तो जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उनमें आप रिफॉर्म्स लेके आइए ओके एंड फिर राइटिस्ट पार्टी इसमें कौन कौन आएगा इसमें रिएक्शनरी पार्टीज होती हैं, इसमें कंजर्वेटिव पार्टीज होती हैं फॉर एग्जाम्पल बीजेपी तो भाई जो रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो ओल्ड सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसी को फॉलो किया जाना चाहिए जो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं वो बेसिकली स्टेटस को की बात करती हैं स्टेटस को की बात करती है तो इस तरह से आइडियोलॉजी के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं ओके तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अब देखो अगर हम ये देखें कि आ, पार्टी के बेसिस पे किस तरह से सिस्टम होता है तो देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जहां पे वन पार्टी सिस्टम होता है एक बार मैं इसको रिमूव करता हूं पार्टी सिस्टम के बेसिस पे क्या सीन होता है पार्टी सिस्टम कुछ कंट्री ऐसी हैं जहां पे वन पार्टी सिस्टम होगा मींस कोई भी अपोजिशन यहां पे नहीं होगा एक ही पार्टी है जो रूल करेगी फॉर एग्जांपल फॉर्मर यूएसएसआर एक होता है टू पार्टी सिस्टम फॉर एग्जांपल यूएसए है ब्रिटेन है तो इसका मतलब यह नहीं है कि और पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी कर सकती है बट मेजर पार्टीज दो ही होंगी जैसे यूएसए में क्या है डेमोक्रेट्स होते हैं एंड रिपब्लिकन रिपब्लिकन ब्रिटेन में क्या होगा यहां पे एक तो कंजर्वेटिव पार्टी होती है और यहां पे लेबर ओके देन मल्टी पार्टी सिस्टम होता है ठीक है तो मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज यहां पे होंगी ठीक है तो जब पार्टी ज्यादा है तो फिर कोलिशन बनने के चांसेस भी ज्यादा है मीन्स ग्रुपिंग ठीक है ये कहां पे देखने को मिलता है लाइक फ्रांस इटली इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है ठीक है तो ये होगा मल्टी पार्टी सिस्टम ओके अब देखो अगर हम बात करें पार्टी सिस्टम इन इंडिया की तो उसके कुछ फीचर्स हैं फर्स्ट फीचर क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम देखिए सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज वर्ल्ड में आपको कहां मिलेगी इंडिया में मिलेगी और ऐसा क्यों बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ जियोग्राफी बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ठीक है तो अगर आप एटीन प्लस हो डिस्कालीफाइड नहीं हो तो आप वोट दे सकते हो ओके okay? तो so, ये हमारा फीचर है मल्टी पार्टी सिस्टम देखिए कांग्रेस बीजेपी फिर बहुत सारी रीजनल पोलिटिकल पार्टीज हैं तो पॉल्यूशन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं देन वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम देखिए इतनी सारी पार्टीज हैं लेकिन उसके बावजूद भी वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम हमारे यहां का यूनिक फीचर है जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1967 तक कांग्रेस सिस्टम हुआ करता था मींस सेंटर में भी कांग्रेस एंड स्टेट्स में भी कांग्रेस बट इसके बाद जो रीजनल पार्टीज हैं उनका एमरजेंस देखने को मिलता है ओके okay? एंड धीरे धीरे कांग्रेस सिस्टम ब्रेक होता गया आज की डेट में बीजेपी इसी और बढ़ रही है डोमिनेंस की तरफ देन लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी देखो हमने कहा था कि आइडियोलॉजी के बेसिस पे हम पार्टीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं बट देखिए प्रेजेंट टाइम में बेसिकली ऐसा सच कोई क्लियर आइडियोलॉजी होती नहीं है आपको बस पावर कैप्चर करना है तो अभी आप बीजेपी में हो कल आप कांग्रेस में चले जाओगे या कांग्रेस में हो बीजेपी में चले जाओगे ये ज्यादा हो रहा है ठीक है देन पर्सनैलिटी कल्ट देखिए पोलिटिकल पार्टीज को उनके लीडर के नाम से जाना जाता है जैसे कि मोदी गवर्नमेंट नेहरू गवर्नमेंट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट तो ऐस आज की डेट में इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है बल्कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं ओके दिस इज पर्सनैलिटी कल्ट देन बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फैक्टर्स आज भी रिलीजन रेस कास्ट इनके बेसिस पे पार्टीज जो है वो चुनाव लड़ती हैं वोटिंग भी होती है इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज और ये बहुत ही बड़ा कारण था ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस सिस्टम का ठीक है रीजनल पार्टीज का इमरजेंस वो आप देखिए अकाली दल है ठीक है यह सब क्या है शिवसेना यह सब रीजनल पार्टीज हैं देन फैक्शन एंड डिफेक्शन मीन्स आप पार्टी चेंज कर रहे हो आया राम गया राम और इससे क्या होता है इससे होता है पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी मनी पावर का रोल बढ़ जाता है देन लैक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन ये भी इंडिया का फ्यूचर रहा है कि जो अपोजिशन पार्टीज होती है इतनी इफेक्टिव नहीं होती है. और देखिए डेमोक्रेसी तभी अच्छे से काम करती है जब रूलिंग और अपोजिशन दोनों ही तगड़े हों ठीक है बट हमारे यहाँ का फ्यूचर क्या है कि लैक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन अभी देख लीजिए कांग्रेस को इतना इफेक्टिव अपोजिशन नहीं माना जाता है तो ये हो गया पार्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया ओके अब देखिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ और वो क्या है रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज देखिए इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे तो देखिए यहां पे इलेक्शन कमीशन क्या करता है पार्टीज को रजिस्टर करता है ठीक है कि भाई आप फाइट कर सकते हो ठीक है बट इसके साथ साथ वो पार्टीज को रिकॉग्नाइज भी करता है ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ पोल परफॉर्मेंस ठीक है इलेक्शन में कितनी सीट्स आपको मिली कितने वोट्स आपको मिले उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज़ करेगा पार्टीज को एज नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी ओके इंपॉर्टेंट है तो so, कुछ पार्टीज नेशनल पार्टीज होंगी लाइक बीजेपी कांग्रेस अभी तो आम आदमी पार्टी भी हो गई है कुछ स्टेट पार्टीज होंगी लाइक समाजवादी पार्टी शिवसेना ये क्या स्टेट पार्टीज हैं कुछ पार्टीज ऐसी होंगी जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है मीन उतनो उनको इतने वोट्स नहीं मिलते हैं ओके अब देखो ये जो आपको रिकॉग्निशन मिलता है इसके कुछ प्रिवलेजेस होते हैं कुछ फायदे होते हैं जैसे कि आपको पार्टी सिंबल मिलेगा ओके okay, हम देखेंगे आगे इसके अलावा जो स्टेट ऑन्ड टेलीविजन है रेडियो स्टेशन है उनमें आपको टाइम मिलेगा कि भाई आप अपनी बात रख सकते हो देन जो इलेक्ट्रल रोल्स है उसका एक्सेस आपको मिलेगा ठीक है जो वोटर लिस्ट वगैरह होती है देन आपको नॉमिनेशन के टाइम पे केवल एक ही प्रपोजल चाहिए होता है ठीक है देन अलाउड टू हैव फोर्टी स्टार कैंपेनर्स देखिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो स्टार कैंपेनर्स है ठीक है तो इनका जो ट्रेवल एक्सपेंस होता है वो काउंट नहीं होगा इन द एक्सपेंडिचर ऑफ कैंडिडेट है ना वो काउंट नहीं होता है तो इसलिए अगर आपको रिकॉग्निशन मिलता है तो कुछ प्रिवरेजेस आपको डेफिनेटली मिलते हैं ओके okay? अब देखो जो ये बात थी अलोकेशन ऑफ पार्टी सिंबल्स तो भाई देखिए कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि रिजर्व सिंबल्स होते हैं और कुछ होते हैं फ्री सिंबल्स तो देखिए अगर कोई नेशनल पार्टी है तो इलेक्शन कमीशन जो है आपको सिंबल uh, अलॉट करेगा एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर इट्स यूज थ्रू आउट थ्रूआउट आउट द कंट्री तो जो सिंबल आपको मिलेगा वो केवल आप ही यूज कर सकते हो थ्रू आउट द टेरिटरी, थ्रू आउट द कंट्री ओके सिमिलरली जो स्टेट पार्टीज होती हैं उनको भी सिंबल मिलेगा एंड जिस स्टेट में आप रिकोगनाइज हो ठीक है तो उन स्टेट्स में एक्सक्लूसिवली आपके लिए वो सिंबल रिजर्व रहेगा ओके okay, इसके अलावा फ्री सिंबल्स भी होते हैं तो जो रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज पार्टीज होती हैं वो कोई भी सिंबल वहां से सेलेक्ट कर सकती हैं तो दिस इज अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स ओके आगे बढ़ते हैं अब देखिए तो कैसे डिसाइड करोगे कि आप नेशनल पार्टी हो आप स्टेट पार्टी हो तो इसके लिए देखा जाएगा कि कितने परसेंट वोट्स कितने परसेंट सीट्स आपको मिली हैं उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है ओके okay? तो देखिए नेशनल पार्टी के लिए टोटल थ्री कंडीशन है कोई भी एक आप फुलफिल कर सकते हो नेशनल पार्टी बनने के लिए ओके तो तीनों ही नहीं करनी है तीनों में से कोई भी एक आप फुलफिल कर लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप फोर स्टेट्स में स्टेट पार्टी हो तो आप नेशनल पार्टी रहोगे ठीक है ये एक ग्राउंड है इसके अलावा इफ इट सिक्योर्स सिक्स परसेंट थीके? अगर आपको सिक्स परसेंट वेलिड वोट मिलते हैं इन एनी फोर और मोर स्टेट्स ठीक है चार या उससे ज्यादा स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए या तो लोकसभा के इलेक्शन या फिर असेंबली के इलेक्शन तो वहां पे अगर आपको सिक्स परसेंट से ज्यादा एटलीस्ट सिक्स परसेंट आपको वोट्स मिलते हैं प्लस लोकसभा में आपके पास फोर सीट्स भी हैं ओके तो आप नेशनल पार्टी बन जाओगे ठीक है तो सिक्स परसेंट वोट फोर और मोर स्टेट लोकसभा या फिर असेंबली इलेक्शन प्लस लोकसभा में आपके पास चार सीटें भी होनी चाहिए ओके थर्ड कंडीशन क्या है इफ इट विंस टू परसेंट ऑफ सीट्स इन द लोकसभा ठीक है एट अ जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम थ्री स्टेट्स तो भाई लोकसभा इलेक्शन हुए और आपके पास टू परसेंट सीट्स हैं ओके और ये जो सीट्स हैं ये थ्री स्टेट्स से आती हैं तो आप नेशनल पार्टी बन जाओगे ओके तो ये कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी होगी, कोई भी एक फुलफिल कर दीजिए और आप नेशनल पार्टी बन जाओगे ओके आगे बढ़ते हैं देखो स्टेट पार्टी में बहुत सारे कंडीशंस हैं एंड ये थोड़ा सा टफ भी पड़ता है आपको याद करना पड़ेगा देखिए पहला कंडीशन क्या है 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन स्टेट एट जनरल इलेक्शन टू द असेंबली तो जिस स्टेट की बात हो रही है वहां के असेंबली इलेक्शन में ठीक है सिक्स परसेंट वोट आपके पास होने चाहिए और इसके अलावा असेंबली में दो सीट्स भी आपके पास होनी चाहिए ओके तो सिक्स परसेंट प्लस टू सीट्स अगर ऐसा आप करते हो तो आप बन जाओगे सेकेंड क्या है लोकसभा इलेक्शन में आपने सिक्स परसेंट वोट्स हासिल किए हैं इन द स्टेट ठीक है और इसके साथ साथ आपके पास लोकसभा में एक सीट भी है उस स्टेट से तो आप बन जाओगे क्या स्टेट पार्टी ये सेकंड कंडीशन हो गई ओके सिक्स परसेंट वोट इन द स्टेट इलेक्शन टू लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसर्न प्लस वन सीट इन लोकसभा फ्रॉम दैट स्टेट थर्ड क्या है कि स्टेट असेंबली के इलेक्शन में अगर आपको थ्री परसेंट सीट्स मिलती हैं आपको थ्री परसेंट सीट्स मिलती हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एट अ जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न या फिर थ्री सीट्स ओके विच एवर इज मोर तो या तो थ्री परसेंट सीट्स आपको मिल गई या फिर थ्री सीट्स आपको मिल गई जो भी ज्यादा होगा ठीक है तो भी आप स्टेट पार्टी बन जाओगे इसके अलावा इफ इट विंस वन सीट इन लोकसभा फॉर एवरी ट्वेंटी फाइव सीट्स और एनी फ्रैक्शन देयर ऑफ अलॉटेड टू द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा तो मान लो जैसे यूपी है फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में आपके पास कितनी है हंड्रेड सीट्स हैं ठीक है तो इफ इट विंस वन सीट इन लोकसभा फॉर एवरी ट्वेंटी फाइव सीट तो भाई आपको चार सीटें यहां पे जीतनी पड़ेंगी बिकॉज वन इन ट्वेंटी फाइव की बात हो रही है ओके वन इन ट्वेंटी फाइव की बात हो रही है टू द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसर्न ओके इसके अलावा ये एकदम लेटेस्ट एडिशन है ट्वेंटी इलेवन में इसको एड किया कि इफ इट सिक्योर्स एट परसेंट ऑफ टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम स्टेट और असेंबली ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शंस ठीक है तो अगर एट परसेंट वोट आपके पास हैं कोई सीट्स नहीं है कोई बात नहीं अगर एट परसेंट वोट आपके पास हैं तब भी आप जो है स्टेट पार्टी बन जाओगे तो भाई इन पे क्वेश्चंस आते हैं इसको आप याद कीजिएगा ठीक है इज नो अदर मैकेनिज्म आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा ओके चलिए अब हम बात करते हैं सिस्टम की देखिए इन देखिये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 ट्वेंटी इलेक्टोरल सिस्टम की बात करते हैं देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजन है देखिए सबसे पहला प्रोविजन है 324 जो कि बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन और इसके बारे में काफी डिटेल में हमने बात की है इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ओके इसके अलावा ओनली वन जनरल इलेक्टरल रोल फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली देखिए एक ही जनरल रोल होगा इसका मतलब क्या है कि हमने सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसको अबोलिश कर दिया है प्लस जो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम होता था वो भी हमने अबोलिश कर दिया है और जो शुरू के दो चैप्टर हैं लेक्चर वन लेक्चर टू वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है ओके okay? इसके अलावा नो पर्सन इज टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और एनी ऑफ देम तो रिलीजन के बेसिस पे रेस के बेसिस पे कास्ट के बेसिस पे सेक्स के बेसिस पे आप इन एलिजिबल नहीं रहोगे ओके तो बेसिकली यहां पे जो है क्या प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है इक्वलिटी टू एवरी सिटीजन इन मैटर्स ऑफ इलेक्टोरल फ्रेंचाइज ठीक है द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली आर टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज तो एवरी सिटीजन जो 18 ईयर्स से ज्यादा का है ठीक है आप वोट दे सकते हो अगर आप डिसक्वालिफाइड नहीं हो तो ओके okay? अगर आप डिसक्वालिफाइड नहीं हो तो बेसिकली ये जो प्रोविजन ये है ये इंश्योर करते हैं इक्वलिटी ऑफ एवरी सिटीजन ठीक है इक्वलिटी ऑफ एवरी सिटीजन इन मैटर्स ऑफ इलेक्टोरल फ्रेंचाइज ओके आगे बढ़ते हैं अभी देखो ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात है तो पहले ये एज थी ट्वेंटी वन ईयर्स ठीक है बट बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन एटी एट इसको ट्वेंटी वन से एटीन कर दिया है तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ओके आगे बढ़ते हैं अब देखो लॉ कौन बनाएगा देखिए जो <laughs> पार्लियामेंट के इलेक्शन है जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन है तो पार्लियामेंट प्रोविजंस बना सकती है, ठीक है अगर हम बात करें इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर तो स्टेट लेजिस्लेचर भी प्रोविजंस बना सकती है बट देखो स्टेट लेजिस्लेचर केवल उन्हीं मैटर्स प्रोविजन बना सकती है जहां पे पार्लियामेंट ने प्रोविजन नहीं बनाए हैं ओके okay? तो पार्लियामेंट ने जहां पे प्रोविजंस नहीं बनाए हुए हैं स्टेट असेंबली स्टेट लेजिस्लेचर केवल उन्हीं मैटर्स पे प्रोविजंस बना सकती है लॉ बना सकती है ओके okay? तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट्री लॉ को केवल सप्लीमेंट कर सकती है उसको ओवरराइड नहीं कर सकती है ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अलावा देखिए हमने डिस्कस किया था अबाउट डीलिमिटेशन है ना काफी डिटेल में डिस्कस किया था तो भाई ऑर्डर्स इश्यूड बाय डीलिमिटेशन कमीशन वो फाइनल होंगे और दे कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ओके सो दिस इज इंपॉर्टेंट इसके अलावा नो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज टू बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय इलेक्शन पेटिशन ठीक है तो अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन है स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन है और कुछ अगर इश्यू हो रहा है वहां पे ठीक है उनको क्वेश्चन किया जा रहा है तो इलेक्शन पेटिशन आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी टू सच ऑथोरिटी एंड मैनर एज प्रोवाइडेड बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर तो सिचुएशन क्या है कि हाई कोर्ट uh, में आपको जाना पड़ेगा एंड अपील आप कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में ओके okay? इसके अलावा आर्टिकल थ्री बी हमने बात की थी है ना इट ऑल्सो इम्पावर्स अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली टू स्टैब्लिश अ ट्रिब्यूनल आप ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश कर सकते हो फॉर एडुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है ठीक है एंड देखिए चंद्र कुमार केस इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इफ एट एनी टाइम इस तरह के ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश होते हैं तो आप अपील कर सकते हो कहां हाई कोर्ट में ठीक है तो ये जो ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर आएगा उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो कहां हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो ये चंद्र कुमार कैसे इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा ओके okay? तो भाई राइट टू वोट क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है है ना और क्वेश्चन आया था इन यूपीएससी फिल्म एग्जामिनेशन और उसका बेसिस क्या है यही आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल नंबर 329 ओके okay? 325 326 ओके आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ओके आगे बढ़ते हैं अब देखो अब हम बात करते हैं इलेक्शन मशीनरी की भाई इलेक्शन आपको कंडक्ट करवाना है तो आपको मशीनरी तो चाहिए होगी उसको देख लेते हैं देखिए सबसे पहले आते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो भाई टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ठीक है तो सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल किसका रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहेगा ओके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहेगा तो ये तो नेशनल लेवल पे हो गया नेशनल लेवल स्टेट लेवल पे कौन होंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट और यूटी लेवल सुपरवाइज द वर्क टू सुपरवाइज द वर्क बट अल्टीमेट कंट्रोल किन का रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहेगा ओके और देखिए इनको कौन नॉमिनेट करता है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह नॉमिनेट करेंगी कि कौन बनेगा ठीक है तो जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है गवर्नमेंट ऑफ यूटी है ठीक है तो वहां से ऑफिसर्स आप लोगे उनको नॉमिनेट करोगे ओके okay? अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर तो भाई ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे और कंट्रोल किसका होगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कंट्रोल होगा ठीक है इनका कंट्रोल होगा अल्टीमेट कंट्रोल है ना सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ओके टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट ओके okay. एंड इनको भी इलेक्शन कमीशन ही नॉमिनेट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओके देन रिटर्निंग ऑफिसर बेसिकली कॉन्स्टिट्युएसी ठीक है टू कंडक्ट इलेक्शन टू कंडक्ट इलेक्शन इन अ पार्लियामेंट्री और स्टेट बली कॉन्स्टिट्युएसी क्या होंगे रिटर्निंग ऑफिसर होंगे और इनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है ओके देन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इनका क्या काम होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल ठीक है वोटर्स लिस्ट जिसको बोलते हैं ठीक है ये काम होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का और इनको इनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये नॉमिनेट करते हैं ओके ऑफिसर तो बेसिकली जो पोलिंग स्टेशन होता है तो वहां पे पोल को कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होती है ओके एंड जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है वो इनको अपॉइंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ठीक है देन ऑब्जर्वर्स भाई हमें इंश्योर करना है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं तो इसके लिए ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट किए जाते हैं ओके सो दिस इज इलेक्शन मशीनरी ओके आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगला आता है शेड्यूल ऑफ इलेक्शन तो भाई कौन अनाउंस करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करेंगे कि कब इलेक्शन होंगे क्या डिटेल्स होंगी और जनरली क्या होता है एक मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ठीक है और उसमें उसमें शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस को अनाउंस किया जाता है जैसे ही आपने अनाउंस किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है ठीक है द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज कम्स इमिजिएटली इन इफेक्ट आप मुझे बताओ इन कमेंट सेक्शन कि ये कब तक फोर्स में रहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब तक फोर्स में रहता है यह आपको मुझे बताना पड़ेगा एंड देखिए फोर्टी एट आवर्स ओके आई होप दिस इज क्लियर तो एटलीस्ट फोर्टीन डेज तो आपको मिलेंगे ओके okay? अब देखो नेक्स्ट आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो भाई ये क्या है बेसिकली गाइडलाइंस है जो पॉलिटिकल पार्टीज को कैंडिडेट्स को फॉलो करनी होती है इलेक्शन के टाइम पे देखिए ऐसा क्यों जरूरी है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को आप मेंटेन कर सको किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश ना हो ठीक है पीसफुल इलेक्शन हो जाए अब देखो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ठीक है ये बेसिकली इवॉल्व बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंस अमंग पोलिटिकल पार्टी अब देखो इलेक्शन में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है सबको अब जो रूलिंग पार्टी है उसके पास तो पूरी स्टेट की मशीनरी है आप उसको यूज कर सकते हो तो भाई यह परमिशिबल नहीं है इसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड रहे सब पार्टीज के लिए ओके और वो एक पीसफुल इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे तो इसके लिए होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब मुझे आप ये बताइए कि क्या ये लीगली इन्फोर्सिएबल है क्या ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से जो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ओके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ओके अब बात करते हैं इलेक्शन पिटिशन की ऑलरेडी हमने, हमने बात की हुई है तो देखिए एनी इलेक्टर और कैंडिडेट देखो ये इंपॉर्टेंट है एनी इलेक्टर जो जो वोट दे रहा है और कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैन फाइल एन इलेक्शन पटीशन ठीक है petition, तो इलेक्टर भी फाइल कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि कोई मल प्रैक्टिस हुई है तो ठीक है और कोर्ट उसको एंटरटेन करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो ओके और अगर मान लो इलेक्शन पटिशन जो है वो अपहेल्ड हो जाती है ठीक है तो इलेक्शन जो है फिर से भी हो सकते हैं ये चीज ध्यान रखना ओके तो इलेक्शन पटिशंस आगे बढ़ते हैं अब आता है इलेक्शन लॉज देखिए अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसमें क्या कहा गया है कि भाई लोकसभा के केस में दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ठीक है जो स्टेट असेंबलीज हैं उसमें दिस इज द मिनिमम स्ट्रेंथ दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना और सिमिलरली फॉर काउंसिल तो एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं बताई है तो फिर लॉ बनाए गए तो पहला लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 फिफ्टी इंपॉर्टेंट है देखिए इसमें क्या क्या चीज शामिल की गई है वो चीज आपको पता होनी चाहिए जैसे कि अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल असेंबली एंड स्टेट काउंसिल्स तो ये आपको मिलेंगे आरपीए नाइनटीन फिफ्टी में आरपीए नाइनटीन फिफ्टी ओके बात कर चुके हैं ठीक है ये भी नाइनटीन uh, फिफ्टी में आपको मिलेंगे देन जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं लाइक सीईओ वगैरह इनकी पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी आरपीए नाइनटीन फिफ्टी में देन इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ठीक है मैनर ऑफ फिलिंग सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यू टी ये भी जो डिटेल्स आपको कहा मिलेगी आरपीए नाइनटीन फिफ्टी में ओके okay? तो यह सब पॉइंट आपको याद होने चाहिए ओके देन आर पी ए नाइनटीन फिफ्टी वन ये इंपॉर्टेंट है और देखो मैं आपको एडवाइज करूंगा कि इसको आप डिटेल में करिए है, है ना आप नेट पर सर्च कीजिए आरपीए नाइनटीन फिफ्टी वन यूपीएससी आपको पी डी एफ काफी मिल जाएंगी किसी भी एक पीडीएफ को आप फॉलो कर लीजिए ओके आ, तो क्वेश्चन बन सकते हैं ओके तो ये आप कर सकते हैं देखिए जो एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है वो किस तरह से होगा 1950 में वो सब चीजें नहीं है उसके लिए 1951 और एक्चुअल कंडक्ट जैसे कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी एमएलए क्या क्वालिफिकेशन होगी क्या डिस्क्वालीफिकेशन होगी ये वहां पे बताई हुई है नोटिफिकेशन किस तरह से होगा ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किस तरह से होगी रजिस्ट्रेशन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ओके देन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिस ठीक है ये बाय इलेक्शन ये सब प्रोविजन आपको मिलते हैं आर पी ए नाइनटीन फिफ्टी वन में ओके okay? अच्छा मुझे एक चीज़ बताना आप कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी पोलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर सकता है क्या ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इसका क्या आंसर होगा ओके okay? तो ये इलेक्शन uh, लॉज है जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की देखिए आपने सुना होगा आया राम गया राम मीन्स एक पॉलिटिकल पार्टी से आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हो ठीक है दिस इज कॉल्ड डिफेक्शन एंड देखिए इससे होता क्या है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी सरकारें गिर जाती हैं ओके एंड मनी पावर का यूज भाई हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो हम आपको मिनिस्टर बना देंगे ठीक है तो ये होता है डिफेक्शन तो भाई ये सही चीज नहीं है तो बाय फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया और टेंथ शेड्यूल जो है उसको ऐड किया गया इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो प्रोवाइडेड फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एम पी एम एल एन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन तो भाई अगर आप डिफेक्शन करते हो तो ये ग्राउंड है डिसक्वालिफिकेशन का ठीक है ये ग्राउंड है डिसक्वालिफिकेशन का है ना एंड देखिए इसमें एक बार अमेंडमेंट होता है नाइनटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड थ्री वो भी हम देखेंगे तो ये मैंने ब्रीफ बता दिया अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ अब देखिए ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये राज्यसभा चेयरमैन इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है ओके ये चीज ध्यान रखना बाकी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं जो स्पीकर उन पे एप्लीकेबल होता है ठीक है एंड मेंबर्स पे तो होगा ही बट ये चीज ध्यान रखना आप ठीक है ठीके? अब भाई ये जो लॉ है इसके प्रोविजन क्या है देखिए डिसक्वालिफिकेशन क्या ग्राउंड है देखिए अगर कोई मेंबर ऑफ हाउस है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है मींस जिसके टिकट पे आपने इलेक्शन जीता है तो भाई अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर देते हो वो भी वॉलेंटरली तो ये ग्राउंड है ठीक है और दूसरा ग्राउंड क्या है कि अगर आप जो पार्टी डायरेक्शन है ठीक है उसके अगेंस्ट वोट करते हो या एबसेंट हो जाते हो तो वो भी एक ग्राउंड है फॉर डिस्कालिफिकेशन ओके विदाउट ऑप्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ सच पार्टी एक सेफ गार्ड यह दिया हुआ है सच एक्ट हैज नॉट बिन कंडोन बाय द पार्टी विद इन फिफ्टीन डेज ओके तो यह प्रोविजन है अगर कोई मेंबर पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे जीत के आता है तो वॉल्टरली गिविंग अप द मेंबरशिप और दूसरा अगर आप पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हो तो दूसरा क्या है इंडिपेंडेंट मेंबर ठीक है अगर आफ्टर इलेक्शन आपने किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो ये ग्राउंड होगा फॉर डिस्कालीफिकेशन एंड फॉर नॉमिनेटेड आपने किसी पार्टी को ज्वाइन किया है तो विद इन सिक्स मंथ आप ज्वाइन कर सकते हो इफ ही ज्वाइन एनी पोलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स द सीट इन द हाउस ठीक है तो विद इन सिक्स मंथ आप कर सकते हो लेकिन उसके बाद करोगे तो वो एक ग्राउंड होगा फोर डिस्कालीफिकेशन ओके अब देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन है वो क्या है सबसे पहली बात इन केस ऑफ मर्जर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे देखिए मर्जर कब होता है जब किसी पार्टी के टू थर्ड मेंबर्स दूसरी पार्टी में चले जाएंगे वो एग्री कर रहे हैं ठीक है मर्जर के लिए तो इंडिविजुअल डिफेक्शन तो अलाउड नहीं है बट बल्क में आप कर सकते हो वो चीज अलाउड है पहले यहाँ पे स्प्लिट भी था वो कब होगा जब वन थर्ड मेंबर अलग हो जाएंगे बट इसको हटा दिया गया है अब ये एक एक्सेप्शन नहीं है ठीक है इसके अलावा देखिए इफ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ठीक है of house, भाई आप स्पीकर बन गए हो ठीक है अब आप वॉलंटरली जिस पार्टी के टिकट पे आप जीते थे आपने उसकी जो मेंबरशिप है वो आपने छोड़ दी और रीजॉइन इट आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड दैट ऑफिस वो बाद में रीजॉइन कर लिया तब एप्लीकेबल नहीं होगा बेसिकली ताकि आप इम्पार्शल रहो न्यूट्रल रहो ओके okay? तो स्प्लिट यहां से हटा दिया गया ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड थ्री अब भाई कौन डिसाइड करेगा तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो डिसाइड करेंगे और इनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा इनका डिसीजन फाइनल होगा अब देखो अगर मान लो जो स्पीकर है अगर उन्हीं के ऊपर चार्ज है तो क्या करोगे फिर कौन डिसाइड करेगा तो एनी मेंबर ऑफ द हाउस डिसाइडेड बाय द हाउस ठीक है ये चीज ध्यान रखना ओके देन देखिए इन 1993 की हो तो होलोन केस इंपॉर्टेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन है इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू ऑन ग्राउंड ऑफ मालाफाइड ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट ओके की हो तो होलोन केस अब आता है रूल मेकिंग पावर देखिए डिफेक्शन जब कोई कर रहा है तो क्या रूल्स होंगे तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके पास पावर है कि आप रूल बना सकते हो वो रूल्स आपको हाउस के सामने प्लेस करने पड़ेंगे वहां से अप्रूवल मिलेगा ठीक है वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं ठीक है अब देखिए जो रूल्स बने हैं उसमें क्या है कि प्रिडिंग ऑफिसर कैन टेक अप डिफेक्शन केस ओनली जब कोई मेंबर कंप्लेंट कर रहा है ठीक है तो मेंबर ऑफ हाउस उनको कंप्लेंट करनी पड़ेगी ओके इसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है उसको एक मौका देंगे भी जो भी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू रखी है ठीक है थीके? आप इस मैटर को कमिटी ऑफ uh, प्रिविलेज के पास भी भेज सकते हो फॉर इंक्वायरी ठीक है तो बेसिकली नो इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक इफेक्ट नो इमीजिएट एंड ऑटोमेटिक इफेक्ट होगा इस चीज को ध्यान रखना अब देखो नेक्स्ट वन है नाइनटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड थ्री देखिए जो एम पी एम एल ए हैं ये डिफेक्शन क्यों करते हैं भाई सबको मिनिस्टर बनना है तो बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट कितने लोग मिनिस्टर बन सकते हैं इसको लिमिटेड कर दिया तो अगर हम बात करें पार्लियामेंट की तो भाई टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स 15 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकते हैं ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इंपॉर्टेंट है ठीक है अब कोई एमपी है एंड ही इज डिस्कालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन तो भाई अब वो मिनिस्टर भी अपॉइंट नहीं हो सकते हैं डिस्कवालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर ये तो बात हो गई पार्लियामेंट की जो स्टेट असम्बली है वहां पर क्या है मिनिमम ट्वेल्व और मैक्सिमम फिफ्टीन परसेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली ठीक है वही सेम चीज हो गई इसके अलावा वहां पर भी जो एम एल ए हैं अगर आप डिस्कालीफाइड हो ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन तो आप मिनिस्टर नहीं बन सकते हो ठीक है इसके अलावा अ मेंबर ऑफ अलावामेंट एम पी एम एल ए बिलोंगिंग टू एनी पोलिटिकल पार्टी अगर आप हो हो गए ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन तो आप कोई रेम्यूनरेटिव पोलिटिकल पोस्ट भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो आप उसके लिए भी डिसक्वालिफाइड हो जाओगे तो यह है नाइनटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड थ्री ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे आई होप ये आपको पसंद आया होगा अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड फ्रेंड्स अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी मैकेनिज्म अवेलेबल है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो हमें मेल कर सकते हो व्हाट्सअप कर सकते हो ओके एंड फ्रेंड्स इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन अ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसके लिए डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट गुड बाय एंड जय हिंद